अरविंद केजरीवाल कितना भी कुर्सी से चिपके रहने की कोशिश कर लें, लेकिन अब साफ दिख रहा है कि उनकी सत्ता का महल भरभरा कर गिरने वाला है। केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो कल हाईकोर्ट के फैसले के बाद फटा हुआ डस्टबिन में पड़ा मिला, और जैसे ही हाईकोर्ट ने ऐसा किया 24 घंटे के अंदर ही केजरीवाल की पार्टी में हड़कंप मच गया। और आज अचानक केजरीवाल के एक मंत्री राजकुमार आनंद ने इस्तीफा दे दिया, मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और केजरीवाल के इस मंत्री ने जो जो बातें कही हैं वो केजरीवाल और उनकी पार्टी के कान से धुआं निकाल देने वाली है। अब ये कोई बीजेपी का आदमी नहीं कह रहा बॉस, ये कोई ईडी नहीं कह रही है, यह आपके सरकार में मंत्री रहा आदमी कह रहा है। केजरीवाल के इस मंत्री ने मंत्री पद से और पार्टी से इस्तीफा देते हुए डंके की चोट पर कह दिया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है, सरकार के पास शासन करने की नैतिक ताकत नहीं बची है, राजनीति बदलने आए थे, राजनीति तो बदली नहीं, राजनेता बदल गए। यह आम आदमी पार्टी का नेता अरविंद केजरीवाल की सरकार का मंत्री कह रहा है बॉस। अब तो पूर्व हो गए, लेकिन जो उनके खास रहे मंत्री रहे वो कह रहे हैं कि कोई नैतिक आधार नहीं है सरकार में रहने का आम आदमी पार्टी के पास और केजरीवाल जी के पास। यानी अब कोई और नहीं, केजरीवाल के अपने लोग ही केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताने लगे हैं। खुद उनके लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल के पास जेल से सरकार चलाने की नैतिकता नहीं बची है। और यह अरविंद केजरीवाल के लिए जो जेल में बंद है उनके लिए किसी सजा से कम नहीं है कि अब उनके अपने भी उनकी कट्टर ईमानदारी का जो सर्टिफिकेट है उसको फाड़ दे रहे हैं। जिस पार्टी को उस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि यहां जो है नैतिकता बची नहीं है, यह अरविंद केजरीवाल के लिए शायद सबसे बड़ी सजा है। जबकि इसी नैतिकता को भूलकर केजरीवाल कह रहे थे कि पब्लिक चाहती है कि वो इस्तीफा ना दे और जेल से ही सरकार चलाए। लेकिन क्या अब भी केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे जब उनकी सरकार के मंत्री इस बात पर इस्तीफा दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी कैसे केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं, क्योंकि सत्ता में रहने की अब कोई नैतिक ताकत केजरीवाल और उनकी पार्टी में बची नहीं। यानी जो बातें कल तक विपक्ष कह रहा था, जो बातें पब्लिक कह रही थी, वो आज अरविंद केजरीवाल के मंत्री भी कह रहे हैं। एक बार सुनिए इस्तीफा देने के बाद राजकुमार आनंद ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि कैसे केजरीवाल अपने ही बनाए जाल में फंसते चले जा रहे हैं। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। मैं नहीं समझता कि हमारे पास शासन करने की कोई नैतिक ताकत बच गई है। केजरीवाल के इस मंत्री ने जो जो बातें कही हैं उसने आम आदमी पार्टी के अंदर हड़कंप मचा दिया, क्योंकि अब तक केजरीवाल के खिलाफ आम आदमी पार्टी में कोई बोल तो रहा नहीं था, कई लोग प्रदर्शन से मिसिंग है। यह हमने आपको बताया था कि कई बड़े नेता नहीं दिख रहे हैं, कुछ लोग विदेश में हैं, कुछ लोग यहां रहकर भी नहीं है। लेकिन उसके लिए आप कोई ऐसे तो कह नहीं सकते कि भाई ये इसी वजह से नहीं आया। कोई ये सवाल करने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि कैसे भ्रष्टाचार के बड़े आरोप के बाद भी केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं बॉस, जबकि इन्हीं केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे मंत्रियों से नैतिक आधार पर इस्तीफा ले लिया था। लेकिन जब केजरीवाल की बारी आई तो केजरीवाल सारी नैतिकता भूल गए और जेल जाने के बाद भी सीएम बने हुए। केजरीवाल, राजकुमार आनंद ने इस्तीफा देते हुए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए, उनके बारे में भी एक बार जानिए। राजकुमार आनंद 2020 के चुनाव में पहली बार पटेल नगर से विधायक बने, 2022 में अरविंद केजरीवाल ने उन्हें अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया, मतलब कोई छोटे मोटे नेता नहीं है ये आम आदमी पार्टी के। राजकुमार आनंद के पास 7 विभागों की जिम्मेदारी थी जिनमें समाज कल्याण, लेबर रोजगार, लैंड एंड बिल्डिंग शामिल है। 7 विभाग इनके पास थे, इतना सोचिए अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे होंगे। और आज वो आदमी कह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार जो है उसके बाद हम कैसे नैतिकता के आधार पर रह सकते हैं सत्ता में। राजकुमार आनंद दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रमुख दलित चेहरा भी थे,
लेकिन बात किसी मंत्री के इस्तीफा देने और पार्टी छोड़ने की नहीं है बॉस। केजरीवाल की तो आज से नींद उड़ जाएगी, क्योंकि मंत्री के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी फुल टेंशन में आ गई। उसे लग रहा है कि आज एक मंत्री ने इस्तीफा दिया, एक आदमी ने पार्टी छोड़ी, कल कोई और जा सकता है, फिर आगे लाइन लग सकती है। क्योंकि एक तो आम आदमी पार्टी के नेताओं को अरविंद केजरीवाल के जल्द जेल से बाहर आने की उम्मीद अब दिख नहीं रही होगी, हाईकोर्ट ने जो कहा उसके बाद तो और मुश्किल है। दूसरा, आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी बन गई है जिसके ज्यादातर सीनियर नेता जेल में है या किसी घोटाले के आरोप में फंसे हुए। ऐसी छवि वाली पार्टी में रहना भी आसान नहीं है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन जैसे नेताओं की गैर मौजूदगी की वजह से पार्टी के दूसरे नेताओं को फ्रंट में आने का मौका तो मिला है, और इस बदलाव से भी पार्टी के कई नेता असहज होंगे। इसलिए हो सकता है कि भविष्य में राजकुमार आनंद जैसे सरप्राइजेस और मिल जाएं, हो सकता है कई लोग और पार्टी छोड़ दें। आम आदमी पार्टी तो खुद ये मान रही है कि आगे और भी नेता पार्टी छोड़कर जा सकते हैं। सुनिए आज अपने मंत्री के इस्तीफे पर संजय सिंह ने क्या कहा। तुमसे आम आदमी पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो हमारे विधायक और मंत्री है, ठीक है कुछ लोग इस लड़ाई में पीछे हटेंगे, हम जानते हैं कुछ लोग इस लड़ाई में पीछे हटेंगे, कुछ लोग टूटेंगे, किसी का मनोबल कमजोर होगा, लेकिन लंबी तादाद, बड़ी तादाद उन लोगों की है जो इन परिस्थितियों का मुकाबला करेंगे। यानी संजय सिंह भी मान रहे हैं कि कुछ लोग जाएंगे, और उनको पता है, अंदर की चीजें तो पता ही है ना, कि कौन मन से साथ है और कौन मन से नहीं है। और उनको, उनके ये कहने का मतलब है कि बॉस खेला होबे। लेकिन सवाल तो यह है कि आम आदमी पार्टी में कोई नेता खुद को कब तक बनाए रखेगा, जब सीधा सीधा भ्रष्टाचार के आरोपों में पूरी पार्टी फंसी है, और ऊपर से जेल से सरकार चलाने की बातें करके धज्जियां उड़ाई गई हैं। कब पार्टी जो है उसको ईडी आरोपी बना दे, इसकी डेट किसी भी दिन आ सकती है। तो उस पार्टी में रहकर ये लोग करेंगे क्या? और हमने आपको कल ही बताया, अकाउंट फ्रीज हो सकता है, इनकी मान्यता तक रद्द हो सकती है। जो भारत की राजनीति के इतिहास में भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता ने भी नहीं किया, वो आज की डेट में पॉलिटिक्स बदलने के लिए आए हुए लोग कर रहे हैं कि नहीं, हम इस्तीफा नहीं देंगे, जो करना कर लो। इसी वजह से शायद आम आदमी पार्टी के कई नेता चुप हैं और सही समय का शायद इंतजार कर रहे हैं। जैसे पंजाब से आम आदमी पार्टी के 7 में से 5 राज्यसभा सांसद एक तरह से केजरीवाल के मामले में साइलेंट हैं। इन सांसदों में क्रिकेटर हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, संजीव अरोड़ा, बलबीर सिंह सिचेवाल और विक्रमजीत सिंह साहनी का नाम बताया जा रहा है कि ये लोग ज्यादा कुछ बोल ही नहीं रहे। बाकी 2 सांसदों में एक सांसद राघव चड्ढा लंदन में बताए जा रहे हैं, उनको लेकर भी बड़ी चर्चा और अटकलें हैं, क्योंकि केजरीवाल के जेल जाने के बाद भी राघव चड्ढा बहुत सक्रिय नहीं दिख रहे, और इतनी बड़ी चीज पार्टी में हो रही है वो अभी तक लौट के नहीं आए। कहा गया किसी मेडिकल कारण से वहां है, लेकिन ऐसा क्या मेडिकल कारण कि पार्टी आखिरी सांस ले रही है और वो आ नहीं पा रहे, लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर। सिर्फ एक सांसद संदीप पाठक एक्टिव दिख रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव का कैंपेन भी संभाल रहे हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से प्रोटेस्ट में भी शामिल हो रहे हैं। सच यह है कि आम आदमी पार्टी में भले ही कोई बोल ना रहा हो, लेकिन पार्टी में भगदड़ मचने का अंदेशा सबको होने लगा है। आज केजरीवाल के मंत्री राजकुमार आनंद गए तो आम आदमी पार्टी के नेताओं का यह डर सामने आने लगा है कि कहीं पार्टी ना बिखर जाए। आम आदमी पार्टी इस माहौल को काउंटर करने के लिए अब अपना एक नया नैरेटिव चलाने में जुटी है कि यह सब ईडी और बीजेपी की वजह से हो रहा है। जैसे सोमनाथ भारती ने कहा कि कल शाम को करीब 6:41 पर मेरे साथ हुई बातचीत में राजकुमार आनंद जी ने बीजेपी द्वारा कराई जा रही ईडी रेड के कारण हुई परेशानी की बात कही थी और बहुत दुखी थे। उनका आम आदमी पार्टी से इस्तीफा सिर्फ और सिर्फ भाजपा शासित ईडी के द्वारा उन्हें दी जा रही प्रताड़ना है और कुछ भी नहीं। सोमनाथ भारती ने आगे कहा कि ऑपरेशन लोटस का पहला शिकार दिल्ली में राजकुमार आनंद जी हैं, यानी यह भी मान रहे हैं कि यह पहला है, अभी और हो सकते हैं शायद। मुझे इस बात का दुख रहेगा, यह वक्त है चट्टान की तरह अपने पार्टी और नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहने का। यानी फिर वही कहानी, ईडी बीजेपी ने कर दिया, अपने ऊपर ये लोग कुछ लेने को तैयार ही नहीं है बॉस। यानी केजरीवाल के मंत्री ही आम आदमी पार्टी की पोल खोल रहे हैं, लेकिन इस पर भी आम आदमी पार्टी बीजेपी पर बिल फाड़ दे रही है कि नहीं नहीं बीजेपी ने किया। बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, यह सब कहा जा रहा है। एक बार सुनिए सौरभ भारद्वाज ने कहा क्या कहा है, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल के इस्तीफा देने वाले मंत्री का ईडी वाला चक्कर दरअसल है क्या। काफी दबाव में थे, परेशान रहते थे, अक्सर कहते थे कि यार मैं जैसे ही एक्टिव होता हूं
फोन आ जाता है और फिर से मेरे को वापस आना पड़ता है। मैं ये समझता हूं कि हमें राजकुमार आनंद जी से कोई नफरत नहीं है, कोई गिला नहीं है, सिर्फ ये है कि एक परिवार वाला आदमी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं। मुझे लगता है कि वो दबाव में ज्यादा आ गए, वे डर गए और ये दबाव भारतीय जनता पार्टी की ईडी लगातार पे डाल रही है। यानी ईडी बीजेपी पर हर चीज डालते चलो, और ये वो पार्टी है जो इत्तू सी बात का इतना बड़ा विस्फोटक खुलासा बताकर पहले ट्वीट करती है कि कल सुबह 10 बजे हम जो है बड़ा खुलासा करेंगे। उस खुलासे में निकलता कुछ नहीं है, लेकिन ये खुलासा करते हैं। और इनको बार बार ये व्यक्ति बता रहे थे कि भाई मैं परेशान हूं ईडी से, लेकिन इन लोगों ने कोई खुलासा नहीं किया। राजकुमार आनंद के मामले में आम आदमी पार्टी ईडी का नाम इसलिए ले रही है क्योंकि पिछले साल ही ईडी ने राजकुमार आनंद के घर पर रेड की थी। पिछले साल किस मामले में रेड की थी ये आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप देखिए, अगर वाकई ईडी के डर से राजकुमार आनंद ने पार्टी छोड़ी तो भैया सवाल ये उठेगा कि जिन राजकुमार आनंद की आप बात कर रहे हैं वो भाई साहब जो हैं उनके यहां ईडी की रेड कब पड़ी? ईडी की रेड पड़ती है नवंबर 2023 में, 2023 में। इस्तीफा कब देते हैं वो? इस्तीफा देते हैं 10 अप्रैल 2024, यानी 5 महीने के बाद, ईडी की रेड के 5 महीने के बाद। अगर ईडी का डर होता अब आ किया जा रहा है तो फिर उन्होंने नवंबर में इस्तीफा दे देना चाहिए था कि भाई ईडी तो मेरे दरवाजे तक आ गई। 5 महीने इंतजार किस बात का किए? आम आदमी पार्टी के जो नेता ऐसा कह रहे हैं उन्हें अपनी पार्टी के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि क्या यह सब इसलिए हो रहा है कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाने पर अड़े हैं, या फिर इसलिए हो रहा है कि केजरीवाल के जाने के बाद से पार्टी को चलाने वाले लोगों से पार्टी के अपने ही लोग नाराज हैं। वैसे राजकुमार आनंद को लेकर यह सवाल तो उठेंगे ही कि चुनाव के वक्त अचानक उन्होंने इस्तीफा दिया क्यों? अगर भ्रष्टाचार ही मुद्दा है तो शराब घोटाला तो बोल रहा है। अरविंद केजरीवाल भी 21 मार्च को गिरफ्तार हो चुके हैं, तो फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी के इतने दिन बाद अचानक इस्तीफा क्यों? इस पर सवाल राजकुमार आनंद का से पूछा गया तो उनका कहना है कि वो कल तक तो केजरीवाल को बेकसूर मान रहे, लेकिन हाईकोर्ट ने कल जब अरविंद केजरीवाल के लिए कह दिया कि भाई चीजें दिख रही हैं कि केजरीवाल शामिल हैं, तो वो इस मामले में उनके लिए टर्निंग पॉइंट था। एक बार सुनिए राजकुमार आनंद क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि ईडी का राजकुमार आनंद से कनेक्शन क्या है। देखिए, ऐसे समय और वैसे समय की बात नहीं होती। आदमी घुट रहा होता है, घुटते घुटते एक दिन खड़ा हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि कल से पहले ऐसा हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन कल जब हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है, हाईकोर्ट ने जो कैटेगरिकली बोला है, उससे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हमारे यहां गड़बड़ है। अब राजकुमार आनंद पर ईडी का क्या केस है वो भी सुन लीजिए। मामला कस्टम और हवाला से जुड़े कुल 7 करोड़ रुपए की हेराफेरी का है। इस मामले में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो केस दर्ज कर चुका है उसी के आधार पर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही थी। और इसी मामले में ईडी ने पिछले साल नवंबर में 22 घंटे तक राजकुमार आनंद के घर पर रेड भी की थी। पिछले साल जब राजकुमार आनंद के घर पर रेड पड़ी, आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने राजकुमार आनंद को साथ बैठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये देखिए उस वक्त की तस्वीर, यूट्यूब पर वीडियो डाला था भाई लोगों ने। आम आदमी पार्टी ने तब अपने YouTube चैनल पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो डाला था और उस वीडियो का थंबनेल यानी जो फोटो ऊपर लगी होती है वीडियो की, उसका जरा हेडर देखिए। इसमें लिखा है आपके इस मंत्री पर भी ईडी का छापा, बुरा फंस गया मोदी। बुरा फंस गए मोदी नहीं, बुरा फंस गया मोदी। भाषा देखिए जरा इन लोगों की, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा लग रहा है कि इनके दोस्त हैं। बुरा फंस गया मोदी, देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा कर रही थी आम आदमी पार्टी। तब आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि क्योंकि बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डरती है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में समन भेजा गया है और केजरीवाल के मंत्रियों को भी ईडी छापे डालकर डरा रही है। लेकिन तब राजकुमार आनंद खुद डंके की चोट पर कह रहे थे कि वो ईडी से डरने वाले नहीं है। तो जब तक तब नहीं डरे तो आज 5 महीने बाद कैसे डर गए? एक बार उस वक्त का बयान सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। हम न ईडी से डरने वाले लोग हैं, न सीबीआई से डरने वाले लोग हैं। हम अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए।
यानी आम आदमी पार्टी ने 5 महीने पहले इन्हीं भाई साहब को वो कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया था कि ईडी जबरदस्ती मोदी जी के कहने पर आई है। तो अगर ये ईमानदार थे, आपने सर्टिफिकेट दे ही दिया था, तो डरे किस बात का? आप कह रहे ना कि आज डर कर इन्होंने बीजेपी के डर से, ईडी के डर से छोड़ दिया पार्टी को। तो जब ये कट्टर ईमानदार थे, आपने सर्टिफिकेट बांटा, तो डरे किस बात का? और अगर आज डर गए, इसका मतलब उस दिन कट्टर ईमानदारी वाला सर्टिफिकेट जो है वो ठीक नहीं था, गलत बनाए थे आप लोग। दोनों नहीं हो सकता कि ईमानदार भी हैं और डर भी गए। दरअसल इस्तीफा देना और पार्टी छोड़ना केजरीवाल के लिए झटके पर झटके लगने जैसा है।